देखो बच्चों, बिहार में एक्चुअली में स्थिति ये है ना कि बिहार में चाहिए सबको सरकारी कॉलेज, क्योंकि सबको 2000-3000 रुपए में ही अपनी पॉलिटेक्निक की पढ़ाई को पूरी कर लेनी है। लेकिन ये संभव कैसे होगा? कुछ बच्चे अपनी तैयारी बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं और उन्हें ये लगता है कि सिर्फ 10वीं के लेवल को पढ़ करके हम बिहार पॉलिटेक्निक में एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है दोस्तों। बिहार में आप लोगों का कॉम्पिटिशन का लेवल बढ़ चुका है और मैं बताऊं, सिर्फ क्लास 10th के लेवल को पढ़ करके आप 100% बिहार में सरकारी कॉलेज नहीं ला पाएंगे, है ना। तो मैं आपको बताता हूं सबसे पहले कि बिहार में आपको इस बार यानी कि 2024 में आपको कितना मेहनत करना पड़ेगा ताकि आपको जो है एक एडमिशन सरकारी कॉलेज में हो पाए और उसके लिए आपको कितना नंबर लाना पड़ेगा, है ना। तो ये चीजें जो है बिहार में आप सभी के आज बताई जाएंगी और आज मैं जितना नंबर बताऊंगा अगर उस अकॉर्डिंग से आपने मेहनत कर लिया तो 100% ये लिख करके रख लीजिएगा कि बिहार में आपको सरकारी कॉलेज लेने से कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मैं आप सभी को सजेस्ट करना चाहूंगा बिहार पॉलिटेक्निक के लिए एक बेस्ट बुक। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बिहार पॉलिटेक्निक की बेस्ट बुक के बारे में जो कि चक्षु प्रकाशन की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों सब्जेक्ट के आपकी स्टडी गाइड यहाँ पे आपको मिल जाती है। इसके साथ ही साथ इसमें आपको मिलते हैं 3200 बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि आपके बिहार पॉलिटेक्निक से रिलेटेड ही होते हैं। मतलब कि अगर आपने इन सभी प्रश्नों को पढ़ लिया तो निश्चित तौर पे बिहार पॉलिटेक्निक में आपकी सफलता निश्चित है। इसके साथ ही साथ इसमें आपको मिलते हैं सॉल्व्ड पेपर, 5 सॉल्व्ड पेपर आपको कंप्लीटली मिल जाते हैं जो कि आपको पूरा फुल व्याख्या सहित आपको मिलेंगे, जो कि आप सभी के लिए बहुत ईजिली बहुत आसानी के साथ अवेलेबल भी होगा और आप जो है बेहतरीन तरीके से इस किताब को खरीद भी सकते हैं। डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए गए लिंक से आप इस किताब को ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी बिहार पॉलिटेक्निक की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा सकते हैं। तो नीचे आपको कमेंट सेक्शन में नंबर भी मिल जाएगा, इसके अलावा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, आप आराम से ले सकते हैं बुक को और आप अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं चक्षु प्रकाशन के साथ। धन्यवाद। बिहार पॉलिटेक्निक में दोस्तों अभी भी मैं बता दूं आपको कि ऐसा है ना कि बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है बिहार में सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज लाने के लिए। अगर आप तरीके से मेहनत करेंगे ना तो कम मेहनत करके भी आप सरकारी कॉलेज ला सकते हैं, और अगर आप तरीके से मेहनत नहीं करेंगे तो चाहे कितना भी आप मेहनत कर ले आपको जो है सरकारी कॉलेज नहीं मिलने वाला है। ध्यान से देखो कि बिहार में अगर आपको सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज लेना है तो एक्चुअली में आपको करना क्या पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहली चीज, एक बात याद रखिएगा कि बिहार में थोड़ा सा सिस्टम को समझिए कि किस तरीके से हमें कॉलेज मिलेगा। तो सबसे पहली चीजें जो आपके पास सब्जेक्ट में निकल के आता है वो निकल के आता है फिजिक्स, उसके बाद आपके पास जो है केमिस्ट्री सब्जेक्ट में निकल के आता है जो कि बिहार पॉलिटेक्निक में पूछा जाएगा, और सबसे आखिरी में जो है वो आप लोगों का निकल के आता है मैथ्स। सिलेक्शन का प्रोसेस निर्धारित कौन करेगा, सिलेक्शन कौन निर्धारित करेगा? तो सिलेक्शन निर्धारित करेगा आपका साइंस वाला पोर्शन। जी हां, 100% सिर्फ साइंस वाला पोर्शन ही आपके सिलेक्शन को निर्धारित कर सकता है, यह बता सकता है कि आपका एडमिशन किसी सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में होगा या नहीं होगा, है ना। कैसे, ध्यान से देखिएगा। आपको मैं बताऊं तो फिजिक्स से आपके पास जो है 30 क्वेश्चन आएंगे, गुणे में 5 कर लीजिएगा 150 नंबर का अकेले आपका फिजिक्स आ रहा है। केमिस्ट्री की बात करिएगा तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन आएंगे, 5 से मल्टीप्लाई करिएगा तो आपके पास 150 और नंबर आपके इसके भी आ जाएंगे। और अगर आप मैथ्स की बात करिएगा तो 30 क्वेश्चन आपका आ जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ पे आपके पास 150 आ जाएंगे। लेकिन हाँ, थोड़ा सा डिफिकल्टी यहाँ पे साइंस में आपके पास देखने को ये मिलेगी कि चूंकि आप ये जानते हैं कि जो पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा होती है वो कक्षा 10वीं के लेवल की प्रवेश परीक्षा होती है ना, लेकिन क्या कक्षा 10वीं के लेवल की प्रवेश परीक्षा जो पॉलिटेक्निक वाली हमारी हो रही है, आप ही बताओ, क्या 10वीं का सिलेबस आता है क्या? क्या सिर्फ 10वीं के सिलेबस से आप पास हो पाते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो, आप देखोगे तो केमिस्ट्री में विलयन पूछा जा रहा है। क्या विलयन आपने जो है कक्षा 10वीं में निकाला है? नहीं निकाला है। तुल्यांकी भार कहीं निकाला है? नहीं निकाला है। अणु भार कहीं निकाला है? नहीं निकाला है। तो कहने का मतलब यह है कि कुछ चीजें आपकी जो है 10th लेवल से आएंगी और कुछ चीजें जो है आप सभी की पॉलिटेक्निक में 11th लेवल से और 12th लेवल से आएंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैथ में मैं बात करूं तो मैथ में अगर आप त्रिकोणमिति में 10-150 डिग्री की वैल्यू, 10-1150 डिग्री की वैल्यू, तो ऐसे ऐसे वैल्यू आप लोगों को ज्ञात करने के लिए आ रहे हैं और जो कि आपने 10th में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, कहने का मतलब यह है कि वो चीज 10th में आपकी है ही नहीं, ठीक है। 10th में वो चीज आपकी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आपको जो है वो
आपको 11th और 12th में ही मिलेंगी। तो ये कहना तो बिल्कुल भी छोड़ दीजिए कि सिर्फ 10th पढ़ करके आप पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा को क्लियर कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। ठीक है, अब ये चीज देखिए कि यहां पे ध्यान से देखना कॉलेज में आपको करना क्या है, नंबर एक्चुअल में आपको लाना कैसे है, कितना नंबर ला देंगे कि आप लोगों का सिलेक्शन एक सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में हो जाएगा। तो पहली चीज याद रखिएगा कि हमें कोशिश करना है कि सिर्फ सिर्फ जो है हम 60% चीजों को हल कर लें। अगर 60% चीजों को आप हल कर ले रहे हैं तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये फिजिक्स का जो आपका सेक्शन है जिसमें 30 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे फिजिक्स में तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि 20 प्लस क्वेश्चन आप जो है यहां से निकाल लेंगे, आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि यहां पे जो है सिर्फ दो ही सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक आपका होगा लाइट और दूसरा आपके पास होगा इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी से ही आप लोगों के ज्यादा क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, अब अगर आप बात करोगे लाइट और इलेक्ट्रिसिटी तैयार करके तो फिजिक्स वाला पोर्शन में 20 प्लस आराम से निकल जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, है ना। बाकी चैप्टर से भी जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो उसकी लेवल उतनी ज्यादा नहीं होगी जितना कि आप लोगों का होना चाहिए। अच्छा जी, अब बचा हमारे पास केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का क्या सीन है सर? केमिस्ट्री का सीन ये है कि अगर पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर पकड़ के रख रहे हैं, अम्ल क्षार तथा लवण वाला चैप्टर पकड़ के रख रहे हैं, जल वाला चैप्टर पकड़ के रख रहे हैं, ये सारे चैप्टर अगर आप पकड़ के रख रहे हैं 9-10 के स्पेशली, तो आप मान करके चलो कि यहां पे जो है आपका 20 नंबर या 20 प्लस नंबर आपका है। सवाल यहीं पे फंसेगा जो कि आपका मैथमेटिक्स का है। अब मैथमेटिक्स का सवाल फंसेगा तो क्या होगा भाई? मैथमेटिक्स में हमें जो है जितने 10th लेवल के आते हैं उतने कर दीजिएगा, नहीं आते हैं तुक्का मार दीजिएगा। ये इसलिए क्योंकि भाई जब बिहार पॉलिटेक्निक में माइनस मार्किंग नहीं है तो अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, है ना। अब आराम से आप नंबर आराम से ला सकते हैं। टॉप कॉलेज अगर पाना है ना दोस्तों आपको, टॉप कॉलेज बिहार का, तो आप मान करके चलो कि 225 प्लस अगर आप किसी भी स्थिति में ला देते हैं तो आप 100% मान करके चलना कि आपको जो है सरकारी पॉलिटेक्निक में टॉप कॉलेज लाने से कोई नहीं रोक सकता। ये टॉप कॉलेज की कंडीशन में बता रहा हूं, इससे प्लस लाना बिल्कुल संभव है, है ना। क्योंकि देखो 150, 150, 300, 400, 450 ये टोटल 450 का पेपर है, बस इसमें हम ज्यादा नहीं लाने के लिए कह रहे हैं। मैं इसमें ये कह रहा हूं कि टॉप कॉलेज के लिए 225 प्लस लाओ, पटना के लिए 225 प्लस लाओ। ठीक है, अच्छे कॉलेज में पढ़ना है तो आपको 225 प्लस लाना पड़ेगा। आपको जो है एक बेस्ट ब्रांच में पढ़ना है तो आपको 225 प्लस लाना पड़ेगा। अगर आप इतना लाएंगे तो आप अच्छे ब्रांच में आपको एडमिशन लेने से कोई भी नहीं रोक सकता है दोस्तों। आप 100% गारंटी लगा लीजिए हमारी, है ना, कोई भी बंदा नहीं रोकेगा और आपका सिलेक्शन 100% एक अच्छे कॉलेज में होकर के रहेगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको जरूर समझ में आई होगी। ठीक है, और आप 225 प्लस के लिए मेहनत जरूर करेंगे, 225 प्लस के लिए ही यहाँ पे दोस्तों मेहनत करना है, बाकी तो आपका आराम से निकल ही जाएगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, है ना। ये 224 के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, इतना नंबर एटलीस्ट आपको लाना पड़ेगा, बाकी आप सभी अपने मेहनत के अकॉर्डिंग नंबर लाएंगे ही। काउंसलिंग के तरीके बेहतरीन तरीके से हम बताएंगे, काउंसलिंग के तरीकों को अगर आप जानेंगे ना बच्चों तो 100% मैं कह रहा हूं कि आपके पास जो है एक सरकारी कॉलेज की सीट होगी जिसके लिए पांडे जी टेक्निकल पूरा हेल्प करेगा। तो 100% आइए, चैनल पे जुड़िए और मजेदार तरीके से अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिए।